नमस्ते जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो शाम का समय हो रखा है और आप में से एक दो लोगों ने मुझे बोला था घर का टूर देने का कि घर बहुत अच्छा है, तो आप इसका होम टूर दीजिए। तो चलिए आप सभी को मैं अपना घर दिखाती हूँ। ये सोच लीजिए नया ठिकाना है, नया आशियाना है, जब तक रह रहे हैं तब तक के लिए। तो वैसे मेरा घर नहीं, आप सभी को पता है, दीदी का है। तो मैं खड़ी हूँ अभी घर के बाहर और यहीं से शुरुआत करूँगी आपको बाहर से दिखाने का, क्योंकि बाहर अंदर से मुझे बाहर का ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दीदी को बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और इन चीज़ों से लगाव है। तो देखिए काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ यहीं से। देखिए शादी में उस दिन लगाई थी मैंने मेहंदी। चलिए फटाफट से वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए ये है शुरुआत का बाहर का, मैं बिल्कुल आपको बाहर से दिखा रही हूँ। और काफ़ी पौधे वगैरह दीदी ने लगा रखे, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लांट्स वगैरह लगाने का दीदी को बहुत मतलब अच्छा लगता है। और ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं और ऊपर से कुछ ऐसा है। और सारे मकान एक जैसे हैं क्योंकि ये फ्लैट्स बने हुए थे, जैसे बिल्डर ने बनवाए थे तो ख़रीदे हुए हैं, बनवाया नहीं है, ये ख़रीदा हुआ है, पूरा ख़रीदा था। और यहाँ पे बाहर गमले वगैरह रख रखे हैं और काफ़ी सारा काम दीदी ने इसमें बाद में भी कराया है, मतलब ऐसा बना हुआ नहीं मिला था। जितना भी आप इसमें ये टाइल्स का काम देख रहे हो दीवार वगैरह पे, और नीचे में यहाँ पे टाइल्स थी वो निकलवा के नीचे में पत्थर लगवाया, ये सारा काम पीछे दीदी ने बहुत कराया है। और इस चीज़ से मुझे एक सबक मिल गया है दीदी के मकान को देख कर, क्योंकि धीरे धीरे इंसान सीखता है। कभी भी मुझे लगता है ऐसा मकान जैसे बना हुआ नहीं ख़रीदना चाहिए, इसमें घाटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डर उस तरीके का इसमें मटेरियल नहीं लगाते हैं जिस तरीके का पैसा लेते हैं। तो बाहर में ये देखिए लैट्रिन बाथरूम थे जो मैंने अभी आपको दिखाए, तो ये भी बाद में ही बनवाए। यहाँ पर अंदर में थे पहले बने हुए, लेकिन बाहर में ये गेस्ट रूम है तो इसी के पास फिर बनवा दिए, क्योंकि बाहर से कोई इंसान आता है तो फिर पूरा घर अंदर जाता है, तब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, रूम में होके निकलना होता है पीछे लैट्रिन बाथरूम के लिए, इसलिए बाहर ने बनवा दिए। और यहाँ से देखिए सीढ़ी गया है ऊपर के लिए बाहर से, और फिर इसके बाद चलिए आपको अंदर ले जा के दिखा दूँ। यहीं पर किचन है बराबर में और ये है डाइनिंग एरिया। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ बाहर वाला रूम, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं दीदी घर। लेकिन अब अभी आप लोग समझ ही सकते हैं कि घर में चार बच्चे, दो मेरे दो दीदी के, तो पूरा घर फैला देते हैं, नहीं तो साफ़ सफाई और काफ़ी अच्छी रखती हैं। तो सोफे डाल रखे हैं इसमें और एक सिंगल बेड है, और इधर की साइड में इसमें टीवी लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ डेकोरेशन के आइटम्स रख रखे हैं। और ये सारी चीज़ें ना खुद से बनाई हुई हैं, जो यहाँ पर ये लकड़ी का बना हुआ आप देख रहे हो ना, ये खुद से घर पर बनाया हुआ है। ये सारे काम मेरे जीजाजी बहुत करते रहते हैं, और कोई कोई चीज़ मटेरियल ख़रीदा हुआ है और कोई कोई चीज़ घर से बनाई हुई है। जो घर में जितना भी आप डेकोरेशन का देख रहे हो ना, कुछ कुछ मार्केट का भी है और कुछ कुछ मेरी दीदी का बना हुआ है, क्योंकि दीदी काफ़ी बनाती रहती हैं। और जहाँ ये डाइनिंग एरिया है ना, तो ये बहुत बड़ा था डाइनिंग हॉल, इसी में से दीदी ने दो काम करा दिए हैं बाद में। यहाँ पर देखिए स्टोर भी दे दिया है इधर साइड, और यहाँ पर मंदिर दे दिया है छोटा सा। तो चलिए पहले आपको मैं दिखाती हूँ मंदिर। लाइट जला लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं पूजा वगैरह करने के बाद। और ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था मंदिर के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक इस तरीके का बना हुआ मंदिर लाके पूरी स्थापना कर दी है। और मैं आई हुई थी, आपने देखा होगा फरवरी के टाइम व्लॉग में जब ये मूर्ति स्थापना कराई थी, तो ये वाली मूर्तियाँ हैं। और ये दीदी का छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। और इसके बाद देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के दूसरा। और ये सारे टाइल्स वगैरह सब कुछ बाद में लगवाए, मैं बोल रही हूँ कि इसमें इन्होंने काफ़ी पैसा लगा दिया अपना, और पहले भी सस्ता नहीं था जब लिया था, तो मुझे लगता है ये बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ गई, इसीलिए मैंने अपना खुद का बनाने का सोचा कि जब भी बनाएंगे लेकिन हम अपना खुद से बनाएंगे जैसे जैसे टाइम होगा। और तो यहाँ पे देखिए ओपन किचन है, और ओपन किचन में इस तरीके यहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ है ऊपर, इसमें सारे डिब्बे वगैरह एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे बाहर की साइड में खिड़की दी हुई है, यहीं पे गैस रख रखी है, और यहीं से ये डाइनिंग एरिया है, और यहीं पे फ्रिज रख रखा है देखिए।
किचन में ही। ठीक है, किचन ज़्यादा छोटी नहीं है और ये थ्री बीएचके बोल सकते हो, क्योंकि दो बेडरूम है इसमें और एक गेस्ट रूम है, तीन रूम है इसमें। और यहाँ देखिए यह अभी एक रूम, तो इसमें चारपाई लगा रखी है क्योंकि अभी हम मेंबर्स काफ़ी हो गए हैं इस वजह से, नहीं तो वैसे दीदी का काम तो इस बेड से चल जाता है क्योंकि दीदी और बच्चे ही तो रहते हैं। और ये इनकी फैमिली फ़ोटोज वगैरह लगी हुई हैं, दीदी जीजा जी बच्चे, तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा रखी हैं। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर रखा है और इसमें फर्नीचर लगा हुआ है साइड में, तो सारा सामान जितना भी होता है वो इनमें कवर हो जाता है अंदर। और ये बाहर की रोड साइड है ना, दो साइड रोड है इसके, तो बाहर से इस पर कूलर रख रखा है, यहाँ खिड़की है जो, और ये इस यहाँ पर फर्नीचर है तो इनमें कपड़े वगैरह रखे रहते हैं। और इसी के बराबर में जस्ट दूसरा रूम है, तो चलिए इस रूम को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी एक सिंगल बेड डला हुआ है, इसमें कोई सोता नहीं है क्योंकि उसी रूम में सोते हैं गर्मी की वजह से। और यहाँ पे फर्नीचर वगैरह, और ये अलमीरा है जो दीदी की शादी की, तो यहीं पर एडजस्ट कर रखी है। और बच्चे बैग वगैरह थोड़ा सा फैला के डाल गए तो इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें दीदी ने बनाई हैं खुद से, पेंटिंग वगैरह, बहुत मतलब पहले से आदत थी बनाने की। और ये सारी चीज़ें शादी से पहले बना के रखी थी जो अभी घर में डेकोरेशन के काम आ रही हैं। तो यहाँ दोनों रूम से पीछे की साइड गेट जाता है, उस रूम से भी और इस रूम से भी। देखिए यहाँ पे पीछे गैलरी दे रखी है जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने के लिए, और इधर वो है बाथरूम टॉयलेट दोनों दे रखे हैं साइड को, एक साइड इधर और उधर। और ये ऊपर से जाल डलवा के इसको कवर कर रखा है क्योंकि इसमें से फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से इसीलिए आपको अंधेरा भी दिख रहा होगा क्योंकि कवर करवा के इसके ऊपर से टीन वगैरह डली हुई है। और ये इधर सिंगल बाथरूम है खाली, बस खूब बड़े बाथरूम लाइटिंग खूब बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े गीजर लगा रखा है। और जितनी भी साइड में जो टाइल्स लग रही हैं, नीचे जो टाइल्स थी वो लगी हुई मिली थी, लेकिन जो साइड में है ना ये सारी लगवाई हैं टाइल्स। तो पूरा घर मैंने लगभग आपको दिखा दिया है, तो बस यही था। और अभी मैं सोच रही थी ऊपर जाके दिखाने की, लेकिन फिर मैं गई नहीं। देखिए ये प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी देखभाल करती रहती हैं दीदी। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पूरा दिखाया उसी तरीके से अभी मैं निकल के आ गई हूँ बाहर। तो बाहर में यहाँ पे देखिए पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, अमरूद इस पे दिखे होंगे ना आपको, अमरूद भी लग रहे हैं। और ये गाय की वजह से पूरा जाल डाल रखा है क्योंकि जो भी पेड़ पौधे होते हैं गाय फिर इनको ख़राब कर जाती हैं, खा जाती हैं। तो कुछ फूल वगैरह हैं, कुछ वैसे पौधे हैं, और अनार का अमरूद का वैसे पौधे हैं। और अभी तो गर्मी का टाइम है, कुछ जल जाती हैं ना सब्जियां, इस वजह से सब्जियां नहीं डाल रखी। और कुछ इन पौधों की वजह से नहीं हो पाती सब्जियाँ, नहीं तो सब्जियाँ भी काफ़ी उगा लेती हैं इसमें। देखिए यहाँ तक जहाँ जहाँ तक उनका अपना एरिया रहा है वहाँ तक पेड़ लगा रखे हैं पूरे में। तो यही था छोटा सा दीदी का घर, आप लोगों को कैसा लगा, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और बहुत जल्द कोशिश होगी अपना भी घर ऐसा ही हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो लोग के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।